अब मैंने इस बच्चे को ये पेन दे दिया और इसका मैंने कोई और पेन ले लिया, वो भी 15 रुपए का एग्जैक्ट, तो मेरे पास गेन रियलाइज ही नहीं हो रहा, मुझे टैक्स क्यों लगा रही है सरकार। ये मेरी जेन्युइन कंसर्न है कि इसका ये तरीका गलत है। ये सर क्या होता था पहले, मतलब टैक्स सिर्फ सेल पे ही लगता था जब रियलाइज होता था, बट लोगों ने प्लानिंग करनी चालू कर दी, तो उन्होंने ट्रांसफर की डेफिनेशन में एक्सचेंज को भी इंक्लूड किया है कि अगर आप किसी असेट के साथ एक्सचेंज करते हो, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द ट्रांसफर। एक्सचेंज है, रिलिंक्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट है, तो ये भी तुम्हारे ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा और इस पार्ट पे टैक्स लगेगा, क्योंकि आप नहीं तो क्या होगा, इस मार्केट में सब लोग ये करना चालू कर देंगे। सर ये तो वो वाली बात होगी कि मेरी लॉटरी लगी, ठीक है, एक कार खुली और मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं टैक्स कहां से भरूं, मैं टायर बेच दूं वहां 30%। नहीं सर, वो तो करना ही पड़ेगा, इट इज अ लॉजिक। क्या बोलते हो, टू एंड फेयर व्यू ना। मैं इससे संतुष्ट सर, आप इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं। आपको 15 रुपए का पेन दिया, बच्चा मेरे साथ है, दूसरा पेन दे दिया, सरकार कह रही 5 रुपए का 30% जमा कराऊ, मैं 1.5 रुपए कहाँ से लाऊ, ये तो इसमें ब्लॉक है, मैं 1.5 रुपए कहाँ से लाऊं। सरकार या तो ऐसा करें ना, ठीक है बाद में लेंगे, जब आप बेचोगे तो हम सेल लेंगे, ये क्या मतलब हुआ इस पे कुछ ना। वे एक्सेप्शन ही है सर, टैक्स भरना पड़ेगा सर, भरना पड़ेगा क्या, सिंपल सी बात, पैसा कहाँ।